गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संस्कृत विषय में प्रकरण अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय का अर्थ मैंने आपको समझा रखा है पहले भी, एक बार दोबारा आपको समझा सकती हूँ। अव्यय का अर्थ है अविकारी शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ना तो लिंग को लेकर, ना वचन को लेकर, ना विभक्ति को लेकर, किसी प्रकार में कोई परिवर्तन ना हो उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। अमेरिकी अव्यय का अर्थ, अव्यय शब्द का अर्थ, अव्यय शब्द का अर्थ क्या आपको बताया मैंने? अविकारी शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार ना हो, अविकारी शब्द, ये हो गया हमारा अव्यय का अर्थ। इस अव्यय को हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा इसी में है, इसकी परिभाषा क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा में हम पढ़ेंगे कि जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, मैं लिख देती हूँ रिपीट में, परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, वे अविकारी अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है मैडम, समझा क्या? कि जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार, विकार का अर्थ क्या बताया मैंने? परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि इसको और हम खोल के एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी डेफिनेशन को देते हैं कि वे शब्द जो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हर लिंग, हर वचन, हर विभक्ति, हर लकार में एक समान ही प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। तो उसी चीज को मैं यहाँ अब आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो क्या है, वे शब्द प्रत्येक अवस्था में एक समान होते हैं, वे शब्द प्रत्येक अवस्था में एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, अर्थात जो शब्द, अर्थात जो शब्द, जो शब्द पी
अव्यव कहते हैं। अव्यव शब्दों में अव्यव शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यव शब्दों में लिंग वचन कारक विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ जी, अब इसको उसको वे शब्द जो प्रत्येक अवस्था में एक समान होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, और तीनों लिंगों में चाहे शब्द चाहे वाक्य हमारा स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो चाहे नपुंसक लिंग का, एक समान ही रहेंगे। सभी कारक संस्कृत में कारक छह, तो जो छह के छह कारक है उनमें एक समान नहीं हुई है, इन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और सभी विभक्तियां जो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी हमने पढ़ी है, उन विभक्तियों में भी इसमें अव्यय शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और सभी प्रकार के वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अव्यय शब्दों में नहीं होता। अव्यय शब्द जैसे हमारे सामने है प्रत्येक अवस्था में उसी अवस्था उसी प्रकार हम उनका यूज करेंगे, उसी समान उनका प्रयोग हम वाक्यों में करेंगे। और अब यही चीज मैंने आगे लिखी वाली लाइन में सिंपल इंग्लिश में लिख दी, अव्यय शब्दों में लिंग वचन कारक विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार मैं फिर से इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अव्यय शब्द का अर्थ हमने देखा क्या था, अविकारी शब्द, और इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार मतलब परिवर्तन ना हो, जो शब्द जैसा है वैसे की वैसे ही यहाँ उपस्थित आपके सामने हो जाएगा, उन शब्दों को अविकारी शब्द और अव्यय शब्द दोनों एक ही है। नाम अलग अलग है, अविकारी जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार का कोई टुकड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, वे शब्द क्या करा जाएंगे, अव्यय शब्द करा जाएंगे। और ये देखो इसी लैंग्वेज को मैंने वापस यहाँ लिख दिया कि प्रत्येक अवस्था में कोई सी भी अवस्था हो चाहे विभक्ति बदले चाहे वचन बदले चाहे कारक बदले, तो वो एक समान ही रहते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन को और एक्सप्लेन किया हमने तो क्या लिखा, जो शब्द तीनों लिंगों में सभी कारकों में और विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अव्यय कह देंगे। आप समझ में आ गया होगा कि अव्यय को हम किसी कहते हैं कि जो शब्द जैसा है वैसा ही हमारे सामने उपस्थित है, किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन जिसमें नहीं हुआ वे शब्द क्या कहला जाएंगे, अव्यय कहला जाएंगे। अब इसमें मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ। हम एक दो उदाहरण देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, कुछ अव्यय शब्द भी मैं आपको लिखवाती हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा कि हमने क्लास में ये कैसे पढ़े थे। आगे ये देखो पहला शब्द मैं लिखती हूँ आपके लिए, अब यहाँ हेडिंग ला देती हूँ अव्यय शब्दों का प्रयोग। अव्यय शब्दों का प्रयोग, पहला अव्यय शब्द हम लेते हैं शनि शनि। इसका अर्थ तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, शनि शनि का अर्थ क्या पढ़ते हैं हम क्लास में, चैप्टर में भी कई बार ये शब्द आता है, धीरे धीरे। क्या पढ़ेंगे, धीरे धीरे। अगर इसी शब्द को लेकर हम वाक्य निर्माण करते हैं तो क्या कर देंगे, गज है शनि शनि चलती। पहला अव्यय शब्द देखा हमने, अव्यय शब्दों में आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, कैसे, पहला तो अव्यय शब्द देखिए आपसे उसका अर्थ, ठीक है, दूसरा अव्यय शब्द दे दिया और आपको कह दिया कि इन शब्दों की इस अव्यय की सहायता
काउंट करना है, तो दोनों का आंसर मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहला तो मैंने आखिरी किया, दूसरा इसका बाकी निर्माण कर दिया। ठीक है, ये तो है हमारे अव्यव शब्द। अव्यव शब्द ये हो गया इनका अर्थ, और ये हो गया वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, ठीक है। अब दूसरा अव्यव शब्द मैं ला लेती हूँ आपके सामने, उच्चई। उच्चई का अर्थ समझ में आ गया ना, नाम से क्या आया, जोर से बोलना। क्या अर्थ निकालेंगे ना, जोर से, जोर से। अब इसका वाक्य प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि रामः उच्चैः वदति, रामः उच्चैः वदति। देखो मैंने आपको बताया ना, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। रामः प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो वदति भी प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द हो गया। तो राम जोर से बोलता है, क्या अर्थ निकालेंगे हम, राम जोर से बोलता है। तीसरा है हमारा शब्द इसी में, निश्चय। निश्चय का अर्थ क्या हो गया, नीचे। निश्चय का अर्थ हमने क्या पढ़ा, नीचे। तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम, जन्म निश्चय वह की। देखो ये जो शब्द है ना हमारे अव्यव, इसमें अगर ये नपुंसक, ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग का शब्द है तो भी निश्चय ऐसे आएगा, और पुल्लिंग का होगा तो भी, स्त्रीलिंग का होगा तो भी निश्चय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम है, रामो, रामा, एक वचन द्विवचन में ये बदल जाते हैं ना, लेकिन उच्चय शब्द निश्चय शब्द सुनेश जो हमने तीन ही उदाहरण पढ़े, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे स्त्रीलिंग में बना हो आप, एक वचन में बना हो, जैसे आप विभक्तियों के अनुसार बनाओ, इन इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चौथा हम ले लेते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, बीता हुआ कल। ये कई बार हमारे चैप्टर में भी आता है, आप लोग पूछते हो ना इसका मतलब क्या होगा, आने वाले कल को हम क्या कहेंगे, जो बीत गया उसको क्या कहेंगे। तो यह जो शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, बीता हुआ कल। तो इसका सेंटेंस मैं बनाती हूँ, यह रविवार है, रविवासर है आसीत, कल रविवार था, कल रविवार था। इसका मतलब हमने क्या निकाला, कल। क्या अर्थ होगा इसका, कल। कल कौन सा, जो बीता हुआ है, जो जा चुका समय, उसके लिए हम यह शब्द प्रयोग में करते हैं संस्कृत में। और चौथा है हमारा श्वः। श्वः का अर्थ है आने वाला कल, आने वाला कल। आने वाले कल के लिए मैं एक शब्द बनाती हूँ, श्वः मंगलवार है भविष्यामि। श्वः मंगल वासर है भविष्यति, श्वः मंगलवासर है भविष्यति। ये मैंने पांच आपको ये इनका वाक्य प्रयोग करके आपको समझा दिया है। बाकी मैं आपके सामने अब कुछ अव्यव शब्द लिख देती हूँ, उनके अर्थ लिख देती हूँ, और फिर उनका वाक्य भी प्रयोग करने की कोशिश आप लोग करना। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा आपके सामने। पहला तो जो अव्यव शब्द है उसका अर्थ पूछ ले, दूसरा अव्यव शब्द की सहायता से आपको वाक्य निर्माण करने के लिए दे दिया जाए। दोनों ही अवस्थाएं हमने यहाँ, दोनों ही अवस्थाओं का हमने यहाँ समाधान कर लिया है। अब आगे मैं अव्यव शब्द लिखती हूँ जो आपको अच्छे से आते भी हैं और हमने क्लास में भी पढ़े हैं, जैसे कि चय। अव्यव शब्द लिख देती हूँ ऊपर, अव्यव शब्द। चय का अर्थ मैंने क्या बता रखा है, और एक फिर ने का अर्थ क्या बताया था, नहीं।
किम, किम का अर्थ क्या हो गया? क्या। आगे है अथवा, अथवा का अर्थ क्या है? या। और तू, तू का अर्थ हो गया तो। और है आम, आम का अर्थ क्या है? हाँ। आम का अर्थ क्या हो गया? हाँ। परंतु, परंतु का अर्थ हो गया लेकिन, लेकिन। और अस्त्र, अस्त्र मतलब यहाँ। आगे विद्युत अस्त्र, तत्र का अर्थ हो गया वहां। और पुत्र, पुत्र का अर्थ हो गया कहां। और आगे है कदा, कब। प्रातः है सुबह, ये भी अव्यय शब्द में ही आता है। सायं मतलब शाम। और कदा, तब। आप अपनी बुक के पीछे योगी का रिश्ता एक टॉपिक दिया हुआ होता है, उसमें आप देख लीजिए कि ये अव्यय शब्द प्रत्येक जैसे कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, सब में ही दिए हुए होते हैं। जैसे तत्र शब्द के अपने एक आपको वाक्य बना के दिखा देती हूँ। सह तत्र, तत्र शब्द में तत्र का अर्थ हमने क्या पढ़ रखा है? जहां। तो सह तत्र क्रीडति, क्रीडति का अर्थ, क्रीडति किस, क्रीडा तो किस अर्थ में प्रयोग होगी? खेलने के अर्थ में। तो सह मतलब वह, तत्र मतलब वहां, क्रीडति मतलब खेलता है, वह वहां खेलता है। पुत्र देखो प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक अव्यय आगे जहां हम प्रश्न निर्माण का कार्य करते हैं वहां पे अव्यय शब्द प्रयोग में आते हैं। अब हमने इस अव्यय वाले टॉपिक में हमने अव्यय का अर्थ देखा, परिभाषण देखी और अव्यय शब्दों का प्रयोग, उनका अर्थ देखा। आप एक बार इसको पढ़ना, समझना और बाकी के जो अव्यय शब्द और भी है उनका प्रयोग आप अपनी बुक में से देख के पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू क्लास।